Hello everyone, welcome back. In the previous video we learn about what is organization and what are the benefits of organization. In this video we are going to learn about the principles of organization. Okay, there is a need to follow certain principles in order to formulate and develop a sound and efficient organization structure. So some of the important principles of organization are as follows. Like the first principle of organization is the principle of objective. Okay, so the principle of objective states that the formulation of organization structure is very much influenced by the objectives of the organization concerned. Okay, so हमारे पास जो होते हैं वो different type के organization structure होते हैं जो decide करते हैं. For example, हमारे पास जो different type के organization structure होते हैं वो कौन से होते हैं? Line और military type of organization हो गई, जिसमें एक चेन के हिसाब से अथॉरिटी फॉलो होती है, एक चेन के हिसाब से कम्युनिकेशन किया जाता है. हमारे पास दूसरे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. लाइक हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. फंक्शनल में हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल के बेस पे हम डिवाइड कर देते हैं. हमारे पास लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं कि हमने किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कि क्या हमें सिर्फ हमारी कंपनी के लोग चाहिए, क्या हमें बाहर के एक्सपर्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए, या हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करना है, तो ये हमारी इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस हिसाब का चेन, हमें किस हिसाब का स्ट्रक्चर फॉलो करना है. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इन दिस यू नो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कंसर्न शुड बी क्लियरली स्टेटेड, कि हमें क्लियर करना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं. Whether we want to increase our profits, whether we want to capture more market share, if we want to create more market share, then in what percentage we have to, you know, we want to capture more market share. So we have to clearly define our objective, because this helps the management in formulating the organizational structure and also in achieving the enterprise objective with the minimum cost and efforts. Okay, जब हमें clear पता होगा हमारा काम क्या है तो हम इस हिसाब से काम करते हैं. Okay, like for example, एक छोटा सा example लेते हैं. अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा naughty बच्चा है, okay, और वो अपने पापा से डरता है और तभी पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे? तब उसके सामने मदर को अथॉरिटी नहीं देंगे कि आप इस बच्चे को पढ़ाओ. हम क्या करेंगे कि पापा से वो पढ़ता है और उनकी उस टाइम सुनता है और सब कुछ करता है, तो पापा को करेंगे, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस टाइम उसका एग्ज़ाम है और उसको वो एग्ज़ाम पास करना है. सो क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर होंगे तो हम उसके बेस पे स्ट्रक्चर भी क्लियरली डिफाइन करेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. So the organizational structure should be formulated in such a way that the activities of the enterprise are divided according to the different functions, and the same are assigned to the person according to their specialization. This means that effective organization must include specialization. कि हमारे जो organizational structure है या हमारी हमने किस टाइप का स्ट्रक्चर जो फॉलो करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि हमें स्पेशलाइजेशन वाला प्रिंसिपल भी फॉलो करना है. हमें अपने काम को, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट फंक्शंस को जो डिवाइड करना है वो किस बेस पे डिफाइन करना है, कि कौन कितना कौन पर्सन किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, किसके पास कौन से स्किल्स हैं, कौन पर्सन उस चीज़ में एक्सपर्ट है. अगर कोई काम है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है तो हम उसको सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही देंगे, क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो क्या है कि वो क्लियरली उसको पता चलेगा कि मेरा काम क्या है, और बार बार वो काम करके उस चीज़ में क्या हो चुका होगा, स्पेशलाइज हो चुका होगा. सो इज द इन दिस वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. और अगर हम सेम पर्सन उसकी स्किल्स के हिसाब से, एबिलिटीज़ के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से उसको देंगे, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा उस चीज़ में, बार बार एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड हो जाएगा.
तो जब हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने ध्यान देना है तो हमने इस बात का भी ध्यान देना है कि हम प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉलो करें। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि सपोज कोई कोई पर्सन है ओके, जिसने एमबीए अभी फाइनेंस में की है और अभी अभी वो जॉब लेने आया है और हम उसको एचआर की पोजीशन के लिए रख रहे हैं, तो क्या होगा? स्पेशलाइज्ड होगा? नहीं, उसके पास डिग्री किसी और चीज़ की है, काम वो किसी और चीज़ का करेगा, तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो एमबीए इन फाइनेंस वाले को एमबीए इन फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही रखना चाहिए और वही काम देना चाहिए। सो स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल फॉलो करना है। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन, स्पैन का मतलब होता है कितना वाइड, और कंट्रोल के उसके अंदर कितने पर्सन वो कंट्रोल करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल ये कहता है कि हमारे एक मैनेजर के अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए ताकि वो उनको बड़े अच्छे से मैनेज कर सके, बड़े एफिशिएंटली तरीके से उनसे काम निकलवा सके और मिनिमम कॉस्ट लगे। तो ये कहते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर कि मिनिमम नंबर हो सबॉर्डिनेट्स ही रहने चाहिए, क्योंकि कम लोगों को मैनेज करना बहुत आसान होता है, उनसे हम प्रोडक्टिव रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सो द यू नो द स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी मिनिमम बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट टू द नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड बाय अ वन बॉस ओके। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन ये कहता है कि ओनली एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स मैटर शुड बी रेफर टू द एग्जीक्यूटिव फॉर देयर डिसीजंस एंड मैटर्स ऑफ रूटीन नेचर शुड बी डिसाइडेड बाय द सबॉर्डिनेट देमसेल्व्स। अगर हमारे पास कोई काम है तो हम हर बात अपने एग्जीक्यूटिव से पूछ पूछ के ना करें। अगर कोई काम रूटीन नेचर का है तो वो रूटीन नेचर का काम हाँ जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो खुद कर लें। अगर कोई काम प्लानिंग का है जिसमें उनके सजेशन चाहिए, जो काम उनके बिना नहीं हो पाएगा वो काम हम उनके दें, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसका मेन काम प्लानिंग होता है ओके, तो वो उस चीज़ में बिजी होती है। अगर हम बार बार उनसे करेंगे तो क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सिर्फ एक्सेप्शनली वर्क जो है जिसमें हमें टॉप मैनेजमेंट की हेल्प चाहिए ही चाहिए वो हमें काम उनको रेफ़र करना चाहिए, अदरवाइज़ जो रूटीन नेचर का काम है वो हमें खुद ही करना चाहिए, यानी कि सबॉर्डिनेट्स को। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर प्रिंसिपल। सो फॉर मेकिंग मैनेजमेंट इफेक्टिव देर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी ओके, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी कि भाई सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, उसके नीचे वाले पर्सन के पास उससे कम, उससे नीचे, तो क्लियर एक लाइन है, एक चेन फॉलो होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने एसडी कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैनेजमेंट है तो सबसे ज़्यादा पावर मैनेजमेंट के पास, देन प्रिंसिपल सर के पास, देन एचओडीज, देन प्रोफेसर्स, देन बच्चों के पास। तो एक क्लियर लाइन है जिसको हमें फॉलो करना है। सो द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव एट द टॉप ऑफ द इंटरप्राइज टू द सुपरवाइजर एट द बॉटम मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड एंड कम्युनिकेशन चेन शुड बी द शॉर्टेस्ट। इसकी हेल्प से ये होता है, ये फॉलो करना है। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी दैट इज गिवन टू अ मैनेजर enable him to accomplish the objective of the enterprise. Authority का मतलब क्या है कि powers देना। powers क्यों देनी है कि जिस person से हम काम निकलवा रहे हैं वो person काम कर रहा है और उसे आगे further लोगों से काम करवाना है तो काम करवाने के लिए उसके पास powers होनी चाहिए। इस वजह से ये कहते हैं कि अगर आप किसी से काम निकलवाना चाहते हैं तो उनको क्या दो, साथ ही साथ कुछ पावर्स दो, उनके पास अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। हैंस द अथॉरिटी ऑफ ईच मैनेजर शुड बी क्लियरली डिफाइंड। अगर हम किसी को पावर्स दे रहे हैं, अगर हम उसकी अथॉरिटीज़ दे रहे हैं तो हमने उसको क्लियरली डिफाइन करना है कि आपकी ये लिमिट्स हैं, ये एरिया है, ये पावर्स हैं, बियॉन्ड दिस आप ये काम नहीं कर सकते, इसके अलावा आपके पास कोई पावर्स नहीं हैं, ताकि वो मिसयूज़ ना कर सके अपनी पावर्स का। एंड ऑल्सो इट शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम।
जितनी उसकी अथॉरिटी है उतना ही वो इक्वल रिस्पॉन्सिबल होगा अपने काम के लिए। ये मतलब नहीं है उसके पास पावर्स हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओके, अथॉरिटी इज इक्वल्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर एंड डुअल सबॉर्डिनेट शुड बी अवॉइडेड। कि अगर सबॉर्डिनेट है उसका एक ही सुपीरियर होगा ताकि किसी बात की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि उसने ऑर्डर किससे लेने हैं, उसको अपनी रिपोर्ट किससे करनी है, उसने कम्युनिकेशन किससे करना है, किसके लिए वो लाइबल है, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो एक सबॉर्डिनेट के लिए वन सुपीरियर। डुअल सबॉर्डिनेशन में रिजल्ट इन इनडिसिप्लिन एंड सबॉर्डिनेट अंडरमाइनिंग ऑफ अथॉरिटी डिसऑर्डर डिले एंड कन्फ्यूजन। एंड बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ डिले ऑफ वर्क कि अगर एक सबॉर्डिनेट है वो दो सुपीरियर से ऑर्डर ले रहा है तो कन्फ्यूज हो जाएगा, पहले मैं किसका काम करूँ, बाद में मैं किसका काम करूँ, किसकी बात मानूँ किसकी बात नहीं मानूँ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो काम है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, हमारे माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। ओके, इन दिस वी यू नो इन द प्रीवियस स्लाइड वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड प्रोवाइड फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा होना चाहिए कि हर लेवल पे हम अपना जो काम है, हमारी जो अथॉरिटी है वो नेक्स्ट लेवल को डेलीगेट कर सकें, ओके। क्योंकि सारा एक ही पर्सन सारा काम नहीं कर सकता, उसको अपना काम क्या करना पड़ेगा, आगे किसी को देना पड़ेगा काम करने के लिए, ओके। तो इस हिसाब से हमारा जो है हर लेवल ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर लेवल पे हम क्या कर सकें, दे सकें। एंड अथॉरिटी डेलीगेटेड शुड इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सो एज टू इनेबल द कंसर्न पर्सन टू अकॉम्प्लिश द टास्क असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर। अगेन जैसे हमने बात की अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। अगर हम डेलीगेट कर रहे हैं हमारा काम तो अगर हमारे पास अथॉरिटी डेलीगेशन किया तो उस काम के लिए हम लाइबल होंगे। अगर हमने किसी को अपना काम दे दिया, ठीक है, और कहें कि काम मैंने तुम्हें दिया था तो ऑफिसर कहेगा नहीं, अगर आपसे पूछता है कि आपने ये काम नहीं किया था, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये तो काम इस पर्सन को दे दिया था तो मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि वो अल्टीमेट यू नो अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ट्रांसफर बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट। सो इन दिस वी फॉलो दिस प्रिंसिपल एंड इन द नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, द सुपीरियर शुड नॉट बी अलाउड टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू हिज सबॉर्डिनेट। जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर हम अपना काम किसी और से करवा रहे हैं या हमने किसी और को दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई, हम उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। इट मीन्स दैट सुपीरियर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सबॉर्डिनेट टू हूम ही हैज़ डेलीगेटेड अथॉरिटी। अगर उसने किसी को काम दिया है तो उसके लिए जिसने उसको काम दिया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, वो पर्सन जो जिसने क्या किया है, अथॉरिटी डेलीगेट की। सो इन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी सच विच शुड बी अडेप्टेबल टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की बात करें, ठीक है ना, लाइक कि यू नो कोविड-19 की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, अनलॉक की बात करें, तो बहुत से सर्कमस्टांसेस चेंजेस होते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लान्स चेंज होते हैं, हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हम अपने स्ट्रक्चर को भी उसी के हिसाब से चेंज कर लें, अडेप्ट कर लें,
okay, there should be possibility if circumstances for expansion and replacement without disrupting the basic design of the structure. ओके चेंजिंग पहले ही हमने फॉलो करना है, ये नहीं कि यू नो अब अच्छा ये चेंज आया था हमें ये हमें अब सोचना नहीं, पहले से ये मान के चलना है मार्केट में तो चेंज आते ही रहेंगे, बिजनेस में चेंज आते ही रहेंगे, मगर आपको अपना बेसिक डिज़ाइन नहीं चेंज करना है, उस डिज़ाइन को ऐसे बनाना है कि हर चेंजेस के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज को अडॉप्ट कर सको. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी. So the organizational structure should be simple with minimum number of levels. कि क्या होना चाहिए, structure एकदम simple होना चाहिए, clearly defined होना चाहिए. Yes, ये person के पास authority है, इसको हमने report करनी है, इसको हमने communicate करना है. इतना simple होना चाहिए कि confusion create ही ना हो, ताकि कोई भी की चीज़ में delay ना हो. If the organizational structure has large number of levels, अगर किसी में large number of levels होंगे तो क्या problem होती है, the problem of effective coordination and communication may arise. You know, there are lot of problems, ये coordinations नहीं अच्छी हो पाती, integration नहीं होती है, हम अच्छे से communication नहीं कर पाते अगर ज़्यादा number of levels हों. तो principle of simplicity क्या कहते हैं कि number of levels क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, एकदम सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी सर्विसेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, ये नहीं आज कोई और स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, कल कोई और स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, परसों कोई और स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, नहीं, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक फॉलो करते रहोगे. मगर ऐसा कि साथ में प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉलो करना है, चेंजेस आ रहे हैं तो चेंजेस लेके आओ, मगर क्या करना है, बेसिक डिज़ाइन आपका नहीं हिलना चाहिए. सो दिस इज़ पॉसिबल इफ़ इट इज़ डायनेमिक एंड कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग इट्सेल्फ टू द नीड्स ऑफ द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस. ओके, सो द सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इट मीन्स for a group of activities having the same objective there should be one plan and one objective. अगर एक type की activities हैं उनका एक particular group है तो उनका objective भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और उनके लिए plan भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए. This facilitates verification and coordination of activities and also completion of tasks as per the schedule. ओके, एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी. प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी कहता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इस तरीके से हमने बनाना है कि हमारे को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो, खर्चा कम लगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो. ओके, सो द स्ट्रक्चर दैट शुड बी फॉर्मुलेटेड शुड इनेबल द बिजनेस कंसर्न टू फंक्शन एफिशिएंटली and achieve its objective with minimum cost and effort. So thus we can say that, you know, we have to develop a sound and efficient organization structure, and these principles are necessary for developing the efficient and sound organizational structure, and every manager should have a knowledge of these principles and apply them efficiently. Thank you very much, students.